सर, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में, यानी कि सारिका की किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नूडल्स किसको पसंद नहीं होते हैं? हर बच्चे की ज़ुबान पे सिर्फ यही होता है, मैगी खिला दो मम्मा, नूडल खिला दो मम्मा। पर चूंकि वो मैदे के बने होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम उनको देने से अखरते हैं, हमें मन नहीं करता है उनको खिलाने का, फिर भी उन्हें खिलाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल चाउमीन स्टाइल में मैंने रोटी के नूडल्स बनाए हैं, एक बार आप भी बना करके देखिए, यकीन मानिए आपको और बच्चों को दोनों को अच्छा लगेगा। चलिए मैं फटाफट बिना किसी देर के शुरू करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो लेफ़्ट ओवर पराठे थे या रोटी थी, उनको आप अपने जितना आपको चाहिए उतने शेप में, साइज़ में उसको कट कर लीजिए। यहाँ पे ये मैं लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ, ये ज़रा मोटी हैं, आप चाहे तो थोड़ी पतली भी बना सकते हैं। पतली बनाने के लिए आपको ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सारी जितनी भी आपकी रोटियां आपको चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। यहाँ पे इस समय यहाँ पे 4 रोटी ली है। और इस तरीके से ये सीजर जो है, ये भी किचन सीजर है, इसे कट करके इसको रेडी कर लेना है। बच्चों को यकीन मानिए पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये बचे हुए पराठों की बनाई है और ये आटे की है और बिल्कुल अपने हाथ से आपने बनाई है, सारे इंग्रीडियंट्स आपने डाले हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं रह जाता है कि ये कहीं से भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। चलिए सारे पराठे के यहाँ पे थोड़े चौड़े चौड़े से स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए हैं। ये एक्चुअली मेरी वो 10 साल की बेटी बना रही है, उसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और उसी ने ये रेसिपी इन्वेंट करी है, ये उसकी खुद की रेसिपी है। तो अब कढ़ाई गरम कर ली हमने बातों बातों में, और उसमें मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल भी डाल दिया है। 2 चम्मच तेल डाल के उसमें हम कटी हुई हरी मिर्च को स्लिट, ये देखिए टेढ़ी स्लिट करनी है, और इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पे हमें कैप्सिकम डालनी है, ये भी हमने अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में कट कर ली है। सब्जियाँ आप अपने पसंद की भी डाल सकते हैं, इसमें आप थोड़ी सी गाजर भी ऐड कर सकते हैं, और आपको जो पसंद हो आप वो सब्जी मटर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर सीजन में हो तो। यहाँ पे मैंने इसमें अभी कैप्सिकम डाली है, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी ऐसे ही थिन स्लाइस कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी इसी तरीके से डाल लिया है। और सारी सब्जियों को हमें बहुत कम भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये थोड़ी सी जब कच्ची रहती हैं तो ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा। पूरा कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, इसको हाफ कुक ही करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए थोड़ी सी कम हो चुकी है सब्जी, पक चुकी है। अब इसमें डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस। मैंने यहाँ पे इसमें डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो लाइट भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा नींबू का रस इसको डाल के अच्छे से यहाँ पे जरा सा पकाना है।
बस जब थोड़ा सा पक जाए तब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। आप इसमें रेडीमेड टोमेटो केचप डाल सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार ज़रा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। टोमेटो केचप डालने के बाद भी एक बार इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिला लीजिए। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो डालिए, नहीं मर्जी हो मत डालिए, बट थोड़ा कलर अच्छा आता है हल्दी पाउडर डालने से। फिर हमारे ये रोटी नूडल्स, थोड़े से काली मिर्च, बिल्कुल स्वाद के अनुसार जरा सी आप डाल दीजिए, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्किप मत करिएगा काली मिर्च को, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ पे हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, बस इतने से ही मसाले डालेंगे और हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हमने डाले हैं, तो बिल्कुल हम गिल्ट फ्री होकर के खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है, किसी को लग रहा है कि वो बची हुई रोटियों के नूडल्स बने हैं। आप इसको ज़रा पतला काटिए और फिर देखिए मज़ा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। पर पतले वाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए उसको खाली लास्ट में आपको डालना है, ऐसे इसको डाल के आप थोड़ा मिक्स नहीं कर सकते हैं। चलिए आप गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो बस आप इसको एंजॉय करिए, आप इसमें अपने पसंद का केचप और थोड़ा सा डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, जिसके साथ आपको पसंद हो खा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज को आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।